सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में। मेरा नाम है शालिनी और अभी आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन ज्ञान। दोस्तों, टी ट्री इसेंशियल ऑयल में एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल गुण हैं, जिससे कि यह हमारे शरीर के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। यह ऑयल ना तो चाय के साथ जुड़ा है जो हम अक्सर पीते हैं, और ना ही ये टी ऑयल के साथ संबंधित है जो चाय के बीज से निकाला जाता है। इसके बजाय यह मेलालेउका अल्टरनिफोलिया नामक टी ट्री की टहनियों और पत्तियों से भाप के माध्यम से निकाला जाता है। टी ट्री ऑयल ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है, जिसके कारण इस देश का यह लोकप्रिय तेल है। तो आइए जानते हैं टी ट्री ऑयल के मुख्य फायदों के बारे में। नंबर एक, बालों के लिए। टी ट्री इसेंशियल ऑयल के द्वारा बाल जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि यह बालों के रोम छिद्र को खोलता है, साथ ही जड़ों को भी मजबूत बनाता है। टी ट्री ऑयल के उपयोग से जुओं और रूसी को भी हटाया जाता है, क्योंकि यह तेल जहरीला होता है, इसी वजह से यह जुओं को मारने में कारगर साबित होता है। नंबर दो, मुहासों के लिए। इस इसेंशियल ऑयल के सिकाट्रिजेंट गुण जल्दी से घाव को भर देते हैं और उन्हें संक्रमण से बचाते हैं। इसके अलावा यह निशान और फोड़े, चेचक और मुहासे के धब्बों को बेअसर या कम करने के लिए मदद करता है। नंबर तीन, बुखार से बचाए। इस तेल में रोगाणुरोधी गुण होता है जो बुखार और मलेरिया के लिए जिम्मेदार प्रोटोजोआ को मारता है। नंबर चार, वायरल संक्रमण में। यह वायरल संक्रमण जैसे इन्फ्लुएंजा, खसरा और चेचक के इलाज में मदद करता है। नहाने के पानी में कुछ बूंदे तेल मिला देने से मौसमी वायरल बुखार आदि का प्रभाव कम हो जाता है। नंबर पाँच, सर्दी में। इस ऑयल का उपयोग सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस और अन्य जुखाम से संबंधित बीमारियों के लिए करते हैं। कफ की समस्या होने पर गर्म पानी में टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदे डालकर भाप लेने से कफ से निजात मिलती है। नंबर छह, बैक्टीरिया संक्रमण के लिए। यदि इस ऑयल का प्रयोग नियमित किया जाए तो चेहरा बैक्टीरिया से मुक्त रहता है और उसकी रौनक बनी रहती है। नंबर सात, कीट निवारण में। टी ट्री ऑयल एक कुशल कीट निवारक है। अगर अपने शरीर पर इस तेल को मल लिया जाए तो यह परजीवी और अन्य कीड़ों को आपके आसपास आने नहीं देता है। नंबर आठ, घाव में। खुले घाव जीवाणु और कवक के संक्रमण के लिए अति संवेदनशील होते हैं और इससे टिटनेस हो सकता है, इसलिए इन घावों की अच्छी तरह से देखभाल की जानी चाहिए। यह एक उत्कृष्ट एंटीसेप्टिक के रूप में बहुत अच्छी औषधि है। नंबर नौ, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाए। यह संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और संक्रमण के कई अन्य प्रकारों के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करता है। नंबर दस, फंगल संक्रमण से बचाए। टी ट्री ऑयल में मौजूद प्राकृतिक एंटी फंगल गुण फंगल संक्रमण का कारण बनने वाले कवक को दूर करने में मदद करता है। टी ट्री ऑयल को कभी निगलना नहीं चाहिए, यह विषैला होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेल्थ जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।